मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले दिनों में न्यूनतम तापमान माइनस 7 से 8 डिग्री हो सकता है। मौसम विभाग के अधिकारी राजकुमार ने दसा कि पिछले कुछ दिनों तो बठिंडा का न्यूनतम तापमान माइनस में जा चुका है ते आने वाले दिनों में भारत मौसम विभाग वालों हल्की तो दरमियानी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इस नाल तापमान में होर भी गिरावट आ सकती है, तापमान न्यूनतम माइनस 7 से 8 डिग्री जा सकता है, जिस नाल कणक की फसल दे कोई नुकसान नहीं होगा तो सब्जियां दी फसलां दा फंड विच नुकसान हो सकता है। उधर कुछ किसानों ने कहा कि गोभी की फसल को छड़ के होर किसी भी फसल से ठंड का कोई असर नहीं होगा तो इस नाल सारियां फसलों का फायदा ही होगा। नुकसान है या फायदे है? अजकल जिवें जनवरी का महीना चल रहा, अजकल जो हल्की बारिश हो जाती है तो कणक नूं बहुत ज़्यादा फायदा, माड़ी मोटी जिवें तरेल पै रही है इहदा भी बहुत फायदा, जिन्नी तरेल पऊ उन्ना ज़्यादा मतलब कणक नूं फायदा होगा। फसलों लई किस तरह दा रहेगा मौसम रिकॉर्ड? फसलों का जिवें जनवरी के महीने च बारिश हो रही है तो बहुत चंगा है कणक वास्ते, जिवें कोई होर फसल है सब्जियां बारे, जिहड़ा कोहरा है तुसीं कहिंदे कोहरा कोहरा जिवें ज़्यादा कोहरा पैंदा तां उहनूं सब्जियां का गलत असर आउंदा, कोहरा जमदा जिवें बर्फ जम जाती है पतली पतली, उस तरह का वो फसल सब्जी की फसल है जी मच जाती, उत्तों मर जाते पत्ते मच जाते। उसके बारे में बता दीजिए। जैसे कि अभी पिछले अगर 2-3 दिन की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो माइनस में चल रहा है बठिंडा में, जो लगभग -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है, जो अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों में सबसे कम तापमान जो मापा गया है। बट आने वाले दिनों में भारत मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि बठिंडा और उसके आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के जो चांसेस हैं लगभग 15 से 20 मिलीमीटर के चांसेस हैं 4 से 5 दिनों में, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी आएगी, 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है जो न्यूनतम तापमान है। उसके बाद काफ़ी तेज़ी से जो न्यूनतम तापमान है इसमें गिरावट आएगी, जिसकी वजह से दोबारा ठंड होने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर हम बात करें फसलों पे तो इसके जो अभी ठंड पड़ रही है इसका फसलों पे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, अगर हम कनक की बात करें तो, क्योंकि कनक जो है वो ससेप्टेबल होती है ठंड झेलने के लिए। लेकिन अगर हम वहीं सब्जियों की बात करें या फलों की बात करें तो सब्जियों और फलों पे जो ये काफ़ी ठंड है जो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है इसका काफ़ी गलत प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमें हल्के इरिगेशन देने की ज़रूरत होती है सारी फसलों में देने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो ठंड का प्रकोप है उससे फसलों को बचाया जाए। बठिंडा सरगर्मियों देखने लिए साडे चैनल सबसक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, लाइक करो।